हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। मैं ऑलरेडी एक लिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ जो कि सितंबर टू दिसंबर क्यू कार्ड में आ सकते हैं। सो अगर आपकी स्पीकिंग कुछ आने वाले दिनों में है, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यू कैन चेक द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं आपके साथ एक और न्यू टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यू शुड से व्हाट इट वाज व्हेन इट हैपेंड, हु वाज देयर विद यू एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक दिस वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अपने कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट के बारे में बताना है अपने लाइफ का। तो यार, बहुत दिन रहते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। लाइक जब हमें कोई ड्रीम जॉब मिल जाती है, 10th और 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ आइडिया में से मैंने एक आइडिया निकाला है, व्हेन आई गॉट गुड मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। तो मैंने यहाँ पे आइडिया यूज़ करा है कि मैंने 12th स्टैंडर्ड फ्लाइंग कलर में पास करी और उस दिन मैंने फील किया कि आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रही थी और इवन जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी वेट कर रहे थे। मैंने 3 से 4 महीने वेट किया अपने रिजल्ट का और मैं इसके बारे में स्पेकुलेट कर रही थी और नॉर्मली जो चीज़ें थी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव आ रही थी और मैं अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस थी उसको स्टॉप नहीं कर सकती थी जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। और रिज़ल्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरी जो कॉलेज एडमिशन है वो डिपेंडेंट थी एंड इवन करियर इसके ऊपर डिपेंडेंट था। और इवन मेरे को याद है उस टाइम पीरियड में जो 3-4 महीने का पीरियड था उसमें मैं अच्छे से सो भी नहीं पाती थी। सो ये इवन सबके लिए कॉमन है कि स्टूडेंट जो अपने रिज़ल्ट के लिए वरी करते हैं। तो मेरे को लगता है कि आज तक के जितने भी रिजल्ट रहे हैं, मेरे को 12th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा वरीसम रहा है। लकीली जो रिजल्ट है वो अपलोड हुआ ऑन द वेबसाइट अराउंड 11 AM एंड आई फाउंड दैट आई डिड एक्सेप्शनली वेल। मैं बहुत ज़्यादा रिलीव हो गई और इवन आई वॉज ऑन क्लाउड 9। हरीडली मैंने अपने पेरेंट्स को भी कॉल किया और उनको ये न्यूज़ दी। दे वर ऑल्सो इलेटेड। जो मेरे फादर है जो बेयरली अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे मदर ने रिलेटिव्स को कॉल किया, घर पे न्यूज़ शेयर करी एंड आई फेल्ट एक्साइटेड, हैप्पी एंड रिलीव। एंड एट दैट टाइम मैं सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड की थी, बट स्टिल ये जो मेमोरी है, ये जो मेरा हैप्पीएस्ट डे था, अभी तक याद है। सो आई होप आपको आइडिया तो क्लियर हो गया हूँ। और ऐसे ही ईजी आइडियाज़ के लिए आप मेरे से क्लासेस अटेंड कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। और अगर आप कोई और मॉड्यूल के भी क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन पे ऑलरेडी है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन स्पीक दिस क्यू कार्ड फॉर 2 मिनट्स। आई कैन रिमेंबर मेनी हैप्पी इवेंट्स ऑफ माई लाइफ एंड आउट ऑफ दोज आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इवेंट दैट आई स्टिल रिमेंबर विविडली। इट वॉज इन डीड एन एक्सलरेटिंग इवेंट एंड दैट वॉज रिगार्डिंग माई सक्सेस इन द बोर्ड फाइनल एग्जाम। द मोमेंट आई हर्ड दैट आई पास 12th स्टैंडर्ड विद फ्लाइंग कलर्स आई बिकेम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दिस वॉज ट्रूली अ फेलिसिटस मोमेंट फॉर मी एज इट्स समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरी ईगरली एंड द न्यूज़ मेड माई पेरेंट्स क्वाइट हैप्पी and proud. I would like to thank you for letting me talk about this event. I waited almost 3 to 4 months with great anxiety for my result. I started speculating so many things and many of them were negative. I could hardly stop thinking about my upcoming result during this period. The result was highly important and my college admission was dependent on it. I could not sleep well the night before the result publishing day. I think it's common for students to worry about the results, especially for important exams, and I was familiar with this type of concern. However, I have to admit that I had been more worried about it than other exam results I can remember. The result was uploaded on the website at around 11 AM and I found that I did exceptionally well. I was so relieved and I was on cloud 9. Then I hurriedly called my parents and gave the news to them. They were very elated. My father, who barely expresses his emotions, was also very pleased, and my mother called a few of our relatives to share the good news. I felt excited, happy and relieved. At that time, I was about 16 years old. All in all, it was such a pleasant event that I still remember every bit of it. So I hope aapko idea clear ho gaya. If you have any problem in any module, just let me know in a comment section. I will try to provide answer as soon as possible. Thank you. Stay tuned.